लास्ट पार्ट में हमने सीखा बॉन्डिंग विथ ब्लूटूथ डिवाइसेस इन एंड्रॉयड। अब हम सीखेंगे कनेक्टिंग एज अ क्लाइंट। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले तो क्योंकि हमें एक रिमोट डिवाइस के साथ कनेक्शन सेटअप करना है ब्लूटूथ के थ्रू, जिसके थ्रू हम डेटा शेयर कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक ब्लूटूथ डिवाइस का ऑब्जेक्ट लगेगा यहाँ पर, यानी हम ब्लूटूथ डिवाइस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम जो रिमोट डिवाइस है यानी जो दूसरे फ़ोन का डिवाइस है ब्लूटूथ जिसके साथ हमें कनेक्शन सेटअप करना है तो वहाँ पे उसका यूज़ हमें करना है। और इसके बाद ब्लूटूथ डिवाइस का यूज़ करके ही हम ब्लूटूथ सॉकेट को एक्वायर करेंगे जिससे हम दोनों जो डिवाइस है उसके बीच में कनेक्शन सेटअप करके डेटा शेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये परफॉर्म करने के लिए हमें दो स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करना है। सबसे पहला तो ब्लूटूथ डिवाइस का इंस्टेंस यूज़ करके हम ब्लूटूथ सॉकेट का यूज़ करेंगे जिसके साथ हम एक मेथड का यूज़ करेंगे क्रिएट आरएफ कॉम सॉकेट टू सर्विस रिकॉर्ड, जिसके आर्ग्यूमेंट में हम एक यूनिकली जो हमारा आईडी है UUID वहाँ पर हम पास करेंगे। और उसके बाद क्योंकि कनेक्शन हमें स्टार्ट करना है तो कनेक्ट मेथड को हम कॉल करेंगे। कोड वाइज यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट किया है और वो उस क्लास के अंदर हमने यहाँ पे दो क्लासेस के इंस्टेंस क्रिएट किए हैं। पहला जो है वो है ब्लूटूथ सॉकेट और दूसरा जो है वो है ब्लूटूथ डिवाइस। दोनों के इंस्टेंस हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं क्योंकि हमें रिमोट डिवाइस के साथ भी कनेक्ट करना है इसके लिए। अब यहाँ पे हमने एक मेथड लिया है कनेक्ट थ्रेड। ये जो मेथड है इस मेथड के अंदर सबसे पहले तो हम डिवाइस का इंस्टेंस पास कर रहे हैं ब्लूटूथ डिवाइस डिवाइस यानी आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे जो भी रिमोट डिवाइस के साथ कनेक्शन करना है तो वो यहाँ पे हमें पास करना होगा। उसके बाद हमारा जो ब्लूटूथ सॉकेट है उसका हम इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं TMP जिससे हम अभी नल असाइन कर रहे हैं। और जो हमारा ब्लूटूथ डिवाइस का इंस्टेंस है MM डिवाइस जो हमने क्रिएट किया था, सो जो भी आर्ग्यूमेंट में हमें मिलेगा डिवाइस के थ्रू तो वो वहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं। यानी इन शॉर्ट हम यहाँ पे जो भी रिमोट डिवाइस अवेलेबल होगा उसके साथ कनेक्शन करने के लिए हमारा जो क्लास है उनके इंस्टेंस में उनकी वैल्यू हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें ब्लूटूथ सॉकेट को कनेक्ट करना है ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू। सो उसके लिए हमें जो मेथड यूज़ करना है ना, यहाँ पे हमने TMP जो ऑब्जेक्ट लिया है उसके साथ हमारा जो ब्लूटूथ डिवाइस का इंस्टेंस है उसके थ्रू हम कॉल कर रहे हैं मेथड क्रिएट आरएफ कॉम सॉकेट टू सर्विस रिकॉर्ड, जिसमें हमने UUID पास कर दिया है। यानी अब हमारा जो ब्लूटूथ सॉकेट का इंस्टेंस है उस सॉकेट को हम ये वाला जो TMP जो हमारा यहाँ पे मेथड के अंदर का सॉकेट का इंस्टेंस है वो हम असाइन कर देंगे। मैनेजिंग अ कनेक्शन। अब जब हमने ये देखा है कि हम दो डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं एज ए क्लाइंट और एज ए सर्वर, दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफ़र भी हम कर सकते हैं, तो जो डेटा ट्रांसफरिंग का काम हमें करना होता है यहाँ पर कनेक्शन के बाद, तो वो यहाँ पे मैनेजिंग द कनेक्शन के वे से हम उसे बोल सकते हैं। दैट मीन्स कि जब डेटा शेयरिंग होता है तो वहाँ पे हम ब्लूटूथ सॉकेट का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू जो कनेक्शन है वो मेंटेन होगा और डेटा ट्रांसफ़र होगा। इस चैप्टर के अंदर हमने देखा किस तरीके से हम ब्लूटूथ का कनेक्शन करेंगे एज ए क्लाइंट और किस तरीके से इस कनेक्शन को हम मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे डेवलपिंग अ ब्लूटूथ एप्लीकेशन।